आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। हम इस समय मौजूद हैं शहर के बस अड्डे चौराहे पे, जहां पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहां पे किस तरीके से सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे और यहां पे कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि यहां पे किस तरीके से जलभराव है। जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है वो अपनी मंशा प्रकट कर रहे हैं कि कूड़ों का ढेर नहीं लगा होना चाहिए, जबकि कोविड 19 जैसी बीमारी इस समय व्याप्त रूपी बीमारी चल रही है, जिसमें कोई भी देखभाल जिला प्रशासन द्वारा यहां पे नहीं किया जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहे जो हैं वहां पर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से वहाँ पर जलभराव और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे किस तरीके से गंदगी व्यापक पूरी तरीके से है। आप देख रहे हैं सीतापुर के मुख्य मार्गों का ये हाल है। रोडें टूटी पड़ी हैं, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आवागमन में पैदल यात्रियों को नित्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और शहर का आपको मुख्य मार्ग हम दिखा दें जो लखीमपुर की ओर जाता है, और ये रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं पूरी रूप से यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे हो चुका है, जिसमें जलभराव है और संक्रमण की काफ़ी समस्याएं इससे हो सकती हैं। लेकिन यहाँ का नगर पालिका प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, और कोई भी कार्रवाई न करने के कारण जो सीतापुर से भी जानकारी की जाएगी कि वो जब मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसके तहत गड्ढा मुक्त सड़कें करी जानी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। और साथ ही आपको दिखा दें कि यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से जलभराव इन रोडों पे, पूरे मुख्य चौराहों पे पूरा जलभराव है। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें जो 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है वो इसी रूप से, विशेष रूप से इसी के लिए किया गया है कि यहाँ पे जो भी जलभराव या जो भी ऐसी समस्याएं हैं जो संक्रमण को रोकने में कामयाब रहें, उनके लिए यहाँ पर ये लॉकडाउन करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी निराकरण नहीं दिख रहा है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य चौराहों पे जलभराव यहाँ पे किया गया है। ऐसे में कैसे रोकथाम कर पाएंगे, कैसे संक्रमण से बच पाएंगे, ये सब समझना। अपने सहयोगी प्रवीर सिंह के साथ शैलेंद्र विक्रम सिंह, सीतापुर।